मुरादाबाद में जिस तरह से लोगों ने हैवानियत दिखाई थी उसका दंड भी उन्हें मिला है। जी हाँ, इन सभी 17 लोगों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही हुआ भी। मुरादाबाद की घटना किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम पुरुष महिलाओं ने मिलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस पर पथराव किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने उन लोगों पर पत्थर बरसाए थे जो इनके जीवन रक्षक बनकर इन्हें क्वारंटाइन के लिए लाने गए थे। कल मुरादाबाद पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज अल सुबह 3 बजे अदालत बैठी, सुनवाई हुई और अदालत ने इन सभी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सुबह 5:15 बजे इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस काम में पुलिस व प्रशासनिक अमला रात भर जुटा रहा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इतनी सुबह अदालत किसी मामले को सुने, पर यह मामला था ही इतना गंभीर। खास बात यह थी कि पत्थरबाजी में महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस ने उनकी वीडियो देखने के बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की थी, ताकि पुलिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आप देख लीजिए किस आक्रोश में ये महिलाएं ईंट पत्थर बरसा रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छतों पर खड़ी इन महिलाओं के हाथों पर पूरी की पूरी ईंट है जिसे लगातार बरसाए जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिकेट के मैदान में हो और पूरी ताकत लगाकर बॉलिंग कर रही हो, ताकि विश्व कप का अवार्ड इन्हीं को मिल जाए। शर्म आनी चाहिए इन पत्थरबाजों को और उन्हें भी जो इन लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद देश भर में इसकी निंदा हुई है। यहाँ तक कि फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी इन्हें जोकर की संज्ञा दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।